पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है यहाँ पर जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने क्या किया कि कुछ बातें बताई, इन्होंने कुछ बातें बताई। किसके बारे में इन्होंने बातें बताई दोस्तों? एटम के बारे में। और जो बातें इन्होंने एटम के बारे में बताई वो कहलाती है एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन ने बताई थी तो इसको बोला क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने बताई थी तो इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहां पर बोला गया। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे जॉन डाल्टन के थ्रू बताई गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहली बात, डाल्टन ने सबसे पहली बात क्या बोली कि ऑल मैटर, जितनी भी मैटर होती है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, कि जितने भी मैटर होते हैं वो बेसिकली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? एटम बोलते हैं। All matter is made up of small particles. These small particles are atoms. और यही वो atoms होते हैं जो किसी भी chemical reaction के अंदर participate करते हैं। ये जो elements होते हैं ये आपकी किसी भी reaction के अंदर क्या करते हैं बच्चों? Participate करते हैं। चलिए पहली बात हो गई, क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो all matter is made up of small particles, पहली बात बोली। दूसरी बात इन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि जो एटम्स होते हैं बेटा वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी जिनको अब हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, यानी कि एटम ही किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको हम लोग यहाँ पर और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये इनडिविजिबल होते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टूटेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। तीसरी बात बोली उन्होंने कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट मेरे पास गिवन है, किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, दोबारा सुनना, किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होते हैं। अरे यार देखो, बताने की बात है, पता ही है भाई, एक किलो सोडियम है, मान लो सोडियम के 10 एटम, जिसका जो ये वाला एटम है ये और ये, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो तीसरा है इनकी प्रॉपर्टी, और जब एक ही एलिमेंट के इतने सारे एटम है तो प्रॉपर्टी सेम होगी, से पता नहीं क्या बात है, बता दी तो कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किस रिस्पेक्ट में? आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी आइडेंटिकल मास, मास के हिसाब से और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। देन उसके बाद फिर एक बात हो, इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब दो एलिमेंट है, मान लो ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, तो इसके जो एटम होंगे ये और इसका जो एटम होगा ये, इन दोनों का मास भी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, कोई बात है? तो जब अलग अलग है तो अलग अलग ही होंगे, इसे पता नहीं क्या बात है। ठीक है, चलिए अब एक बात उन्होंने और बोली यहाँ पर, चलिए उन्होंने एक बात और बोल दी, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, कि जो एटम्स होते हैं कंबाइन होते हैं हमेशा, उन्होंने बोली कि एटम्स आर कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, कि जो भी एटम्स होते हैं वो हमेशा कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स एंड टू फॉर्म कंपाउंड,
और क्या बनाते हैं जी यहाँ पर, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बताने वाली तो बात थी ऑब्वियसली बात है, लेकिन बोला एटम्स आर कंबाइन इन अ रेशियो स्मॉल मोल नंबर्स में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा CO2 H2O, कभी सुना है CO2 H3O? नहीं सुना ना? तो यानी कि हमेशा स्मॉल होल नंबर से लेते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर होल नंबर के होते हैं। तो ये होल नंबर्स की फॉर्म में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, दिस आर द कंपाउंड। एंड उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली यार, पर उन्होंने बोला कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, हां रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, जो रिलेटिव नंबर है किसी भी एटम के या फिर आपके काइंड ऑफ एटम्स है आर कांस्टेंट। ये हमेशा कैसे होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड जो जिससे मिलकर के बना उसके अंदर नंबर ऑफ एटम और आपके एटम्स होते हैं काइंड ऑफ एटम आर ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है वाटर H2O से मिलकर बना, ऐसा नहीं है कल को हाइड्रोजन गायब था तुमने यहाँ पर जो है उसमें ऑक्सीजन चिपका दिया, या तुमने नाइट्रोजन चिपका नाइट्रोजन N2O कर दो, चलो भाई हाइड्रोजन नहीं है मेरी जगह मैं ले सकता हूँ, कोई और नहीं ले सकता, तो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा, तो हमेशा ये आपके सेम रहते हैं बच्चों। अब डाल्टन ने बातें बता दी, इन्होंने बोला कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है जिनको एटम बोलते हैं। चलो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात लेकिन इन्होंने बोली कि जो एटम्स होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, जिनको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। हमने क्या देखा, जो एटम होता है एटम के तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, हमने देखा कि एटम को तोड़ा जा सकता है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, देयर आर सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो उसकी वजह से ये वाली थ्योरी तो ये वाली बात इसकी गलत सिद्ध हो गई। प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो मेरे ये न्यूट्रल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं जी, न्यूट्रल कहलाते हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी भी तरीके का, ठीक। अब उसके बाद तीसरी बात इन्होंने बोली कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, मैं कह रहा हूँ ये रहा है जी मैंने कार्बन, ठीक है, तो इसके बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, तो ये एलिमेंट ये रहा दूसरा एलिमेंट, तो इन दोनों का एटॉमिक मास भी सेम होगा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ऐसा ही और ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन अफसोस की बात ऐसा नहीं है, ये सही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी, एक चीज बताई थी मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एक बात मैंने आपको बताई थी दूसरे क्लास में एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा, ये बात हमने बताई है पिछले क्लास में, आप पढ़ाई नहीं करते जिसको तो अगर आपको नहीं पता। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें न्यूट्रॉन प्लस कर दो तो हमारा एटॉमिक मास आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने क्या देखा कि कार्बन का एक एटम ये रहा दूसरा एटम ये रहा, अब इस एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 12U, लेकिन हमने क्या देखा कार्बन के ही एक एटम का एटॉमिक मास जो है वो 14U समझे। हमने क्या देखा कि कार्बन के दो एटम है, दोनों का जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, हमें जैसे कैसे क्या हमने देखा कितने कैसा है ऐसी प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट हुई, हमने देखा यानी ये क्या हुआ कार्बन के दो एटम है दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, यानी कि जो डाल्टन ने बोली थी एक एलिमेंट के दो एटम होंगे दोनों का एटॉमिक मास सेम होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, वो यहाँ पर गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि हमने ऐसा पाया गया कि कार्बन के दो एटम का एटॉमिक मास अलग अलग हो सकता है, और ये कैसे पॉसिबल हुआ, हो सकता है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में अलग अलग हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो इसका मतलब इनकी जो तीसरी बात थी वो भी यहाँ पर गलत हो गई, तीसरी बात भी गलत प्रूफ हो गई।
तो जब ऐसा होता है, अब देखो ये एटॉमिक मास है 12, ये एटॉमिक मास है 14, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का 6 6 है, एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, यानी कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इसका एटॉमिक नंबर है। तो ऐसी कंडीशन जब एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास सेम और एटॉमिक मास है मेरे पास डिफरेंट, सही, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर है सेम और एटॉमिक मास है डिफरेंट, ऐसो को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, ऐसी चीजों को ही यहाँ पर बोला जाता है आइसोटोप। बेसिकली ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। आइसो मतलब सेम, और एग्जाम में नंबर कैसे आने चाहिए भैया, टॉप आने चाहिए ना, तो टॉप मतलब नंबर, ये आइसोटोप हो गए हमारे पास। तो ये बात गलत हो गई। अच्छा फिर अब इन्होंने क्या बोला कि एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के जो हमारे पास एटम है उनकी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, अलग अलग है, डिफरेंट मास है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअल में ये बात गलत से दो। यहाँ पर आ गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास एंड डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी, यानी अलग अलग एलिमेंट के हमारे पास जो एटम होंगे उनका एटॉमिक मास पे लगेगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे लगेगी, और ऐसा होता ही है, जल्दी ऐसा होगा ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन हमने क्या देखा, ओहो या तो कहानी पलट गई, हमने क्या देखा कि मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट पोटेशियम है और ये मेरे पास कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन जब मैंने देखा दोनों का एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास भी 40 है और इसका एटॉमिक मास भी 40 है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है 89 का 20, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या है इस बार सेम है, तो इस बार एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट और एटॉमिक मास इज सेम। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको हम क्या बोलेंगे जी, अब इनको बोलेंगे आइसोबार, चलिए ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, ये दूसरे के कहलाते हैं आइसोबार। तो आइसो मतलब सेम, बार इस बार मास सेम है लेकिन नंबर अलग अलग है, तो ऐसे हमारे आइसोबार कहलाते हैं, यानी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर गलत सी हो गई। तो डाल्टन ने जितनी बातें बताई थी उसमें से कुछ कुछ गलत हो चुकी। अब हमारे पास है यहाँ पर द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये बात बिल्कुल सही है, एंड एटम्स आर कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल मोल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है बच्चों। अब बात आती है हमारे पास, क्वेश्चन है व्हाट इज एन एटम, क्वेश्चन है जी व्हाट इज एन एटम, एटम क्या चीज होती है, बताया तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, बात कर लो बता चुका हूं चैप्टर की स्टार्टिंग में। फिर दूसरी बात है हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं, अजी एटम बड़े कहां होते हैं, तो छोटे ही होते हैं, बड़े होते फिर तो बात नहीं करते, कितने छोटे होते हैं, मान लीजिए कोई भी एटम है ये, और ये इसकी रेडियस, अब समझना आप लोग कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो उसकी रेडियस को मेजर करने के लिए जो मेरे पास लेंथ है मैं उसको नैनोमीटर में लेता हूँ, नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है, मान के चलिए कि 1 मीटर में 10^9 नैनोमीटर हो, तो सोचिए कि कितनी छोटी यूनिट होती होगी नैनोमीटर, एंड इसका मतलब देयरफॉर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10^9 नैनोमीटर, ये मतलब है, या फिर 10^-9 यानी कि कितना माइनस 10, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच के देखिए एक बच्चे की फीस मैं रख देता हूँ महीने की 1 रुपए और एक बच्चे की फीस है 1,00,000 रुपए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 रुपए तो देखो दिमाग में इमेजिन आ रहा है 1 रुपए कॉइन आ रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1,00,000 रुपए, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने 10-10 के नोट होंगे, इसको विजुलाइज कर सकते हैं, वर्चुअली सोच सकते हैं, नॉट पॉसिबल, आप सोच के देखिए 500 500 1 कितना कमरा भर जाएगा, ठीक है,
ये 10-10 के 100-100 कितने नोट है, तो सोचिए कितना ही डिफरेंस है यहाँ पर साइज में। तो एटॉमिक रेडियस हम नैनोमीटर में निकालते हैं और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, ठीक है जी। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितना छोटा यहाँ पर हमारे पास एटम होता। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स किसके है बेसिकली, ये एटम्स होते हैं एलिमेंट्स। अब हम इन एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ सिंबल यूज करते हैं। देखिए जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर SRK, बताओ SRK कौन है सर? शाहरुख खान। शाहरुख खान, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है शाहरुख खान। इसी सर प्रियंका चोपड़ा। अरे वाह प्रियंका चोपड़ा, वेरी गुड। दिल्ली पुलिस मतलब कि दिल्ली पुलिस। तो हमारे पास देखो इनको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिंबलाइजेशन है, अलग अलग सिंबलाइजेशन है, ठीक इसी तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। अच्छा अब ये जी हमारे पास कई बार क्या होता है गाड़ियों के सिंबल्स होते हैं, देखना जैसे जस्ट इमेजिन ये कौन सी गाड़ी का सिंबल है सर? ऑडी सर, मर्सिडीज। ये वाला मर्सिडीज का, ये तो किसी का भी नहीं है, ऊपर वाला है मर्सिडीज। Yes, sir. सर ये भी किसी का नहीं, ये शेवरोले का होता है, शेवरोले ऑक्टा। ये बताइए किस चीज का सिंबल है? सर होंडा का। सर होंडा का, सर होंडा। ये वाला बताइए, सटो सिंबल्स जो अलग अलग को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक, सिंबल्स जो कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे पास इन एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करने की क्या है बच्चों, सिंबल्स। अगर मैंने ये सर्कल लिया और उसके अंदर डॉट बना लिया, इट मीन्स दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले जमाने में क्या था कि एलिमेंट्स बहुत ही कम थे, गिने चुने थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास ये तरीके थे, जैसे किसी का सिंबल फॉस्फोरस, ये सिंबल है किस चीज का भैया, फॉस्फोरस का है, ठीक है। एक सिंबल और है मेरे पास, दिस इज द सिंबल फॉर सिल्वर, दिस इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चों के सिंबल्स है, ये हमारे पास इनके सिंबल्स है। अब इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट, अभी क्या देखो 10-12 एलिमेंट्स थे तो इनको सिंबल के थ्रू याद करना आसान था, लेकिन जब धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, भाई आज की डेट में 115 से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो इतने एलिमेंट्स को सिंबल्स के थ्रू क्या लर्न कर पाना आसान था, अभी नहीं मुश्किल था। तो हमने क्या देखा, ये वाला जो सिस्टम था रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक नया सिस्टम आया, हमने यहाँ पर क्या किया जी, इनका नोमेनक्लेचर किया हमने बच्चों, यहाँ पर इनका क्या किया जी, हमने इनका यहाँ पर घर में नोमेनक्लेचर कर दिया और उसके अंदर इनको रिप्रेजेंट करा, उसके बाद हमने इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, देखो कि कैसे और किस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट करा। मान लीजिए कोई आइटम है मेरे पास, मान लीजिए कार्बन, तो कार्बन को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, नाइट्रोजन को मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को मैंने O से, यानी कि हर एक एलिमेंट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, उसके नेम के फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। सिस्टम बहुत सिंपल हो गया, ये हम क्यों बना रहे हैं, चीजों को याद करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक समस्या आ गई, मान लो जैसे मैंने क्या कहा जी, सल्फर, सल्फर को मैंने S से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब एक नया एलिमेंट आया सिलिकॉन, सिलिकॉन को किससे रिप्रेजेंट करें,
अब अगर हम सिलिकॉन को ऐसे करें तो ऐसे सल्फर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हमने क्या किया यहाँ पर एस आई लगा क्लोज, दो लेटर वाला सिंबलाइजेशन ले लिया, ऐसा ही हो गया, सिस्टम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी और दिक्कत। अब क्या हुआ कि सिल्वर की डिस्कवरी हुई, सिल्वर आ गया, अब क्या करें, एक ने बोला कि ऐसा ही तीन नाम लगा दो, अरे पागल क्या पुलिस करेगी, तो फिर तो भाई क्यों कर रहे हैं, सिस्टम को इजी करने के लिए कर रहे हैं, टफ करने के लिए, ठीक है जी, क्यों भाई, मानो शाहरुख एस आर के है, उसको शाह आर के कर दे, पहले के तीन नाम पूरे तो शाह आर के, ये क्या है, प्रियंका जोड़ेगा प्री सी, क्या हो गया ये, तो हमने क्या किया, अभी समस्या ना हो, हमने क्या किया, जो कुछ एलिमेंट्स थे जो मैच कर रहे थे, इनके लैटिन नेम होते, कौन से नेम होते हैं इनके, लैटिन नेम होते, तो हमने क्या किया, जो इस तरह की कंफ्यूजन थी उनसे बचने के लिए, कुछ एलिमेंट्स तो उनके लैटिन नेम होते, ठीक है, जैसे सिल्वर को लैटिन लैंग्वेज के अंदर अर्जेंटम बोला जाता है, तो हमने इसका नाम रख दिया एजी, ठीक है जी, ऐसे ही सोडियम का नाम हो गया यहाँ पर Na, पोटेशियम का नाम हो गया यहाँ पर K, ठीक है, कॉपर का Cu, कॉपराइट से, तो दीज आर सम लैटिन नेम, लैटिन नेम से ही डिराइव किए जाते हैं, जो कि लैटिन वर्ड एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डेड लैंग्वेज है, जिसका कहीं पर कोई भी यूज नहीं, आप देख लो कभी भी कोई चीज साइंस के अंदर, दिस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन नेम, दिस इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कभी सुना, दिस इज ड्राइव फ्रॉम कानपुर, दिस इज ड्राइव फ्रॉम बठिंडा, दिस इज ड्राइव फ्रॉम कुछ ऐसे नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो तो यूज करते हैं, वो तो यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज यूज नहीं होती, तो मैच होने का किसी से सवाल ही पैदा नहीं होता, दैट्स व्हाई वी यूज लैटिन लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों इनकी सिंबलाइजेशन कर दी, ठीक है, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात सबको समझ में आई, देयर इज अ टॉपिक इज द एटॉमिक मास, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात बोलूं, एटम का मास, कितना सिंपल है, एटम का मास एटॉमिक मास, यानी बहुत सिंपल है, एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास, वेरी सिंपल, वेरी एटम का मास हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। अब एटॉमिक मास जैसे कि सोडियम, तो इसका एटॉमिक मास 23 U है, तो पहले से मैं आपको बता दूं कि इसको हम निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसकी यूनिट होती है इसको प्यार से यू बोलते हैं, बात नंबर एक। बाकी एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा कई टीचर मैंने देखा है क्या बोलते हैं, बच्चे भी पढ़ के आते हैं, किसी प्रोटॉन का डबल होता है एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसका डबल उसका एटॉमिक मास होता है। अब जैसे कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन एटॉमिक मास तो इसका 23 है, तो बच्चा वहां पर फैल जाता है। तो रीजन क्या होता है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है, दैट्स द रीजन पीआईडी, हर बार ऐसा नहीं होता, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये कहां से आता है, कैसे आता है, किस तरीके, तो इसके बराबर होते हैं, ये बात बहुत समझना जरूरी है। देखो पहले ये बात बोली गई थी, मैं एटॉमिक मास की एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन 1 AMU यानी कि डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो आप क्या लिखेंगे, एटम का मास एटॉमिक मास, ये तो मैं समझ गया, इसका अगर मैं 23 यूनिट को डिफाइन करने के लिए बोलते, आप बोल रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखो इसको निकालने का तरीका फार्मूला, लेकिन डेफिनेशन तो नहीं है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन के एटॉमिक मास निकालने, पहले क्या किया था, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग उसको ऑक्सीजन से रिलेट करते, हम लोग उसको यहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेट करते, हम लोग उसको यहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेट करते। अब देखो ऑक्सीजन से रिलेट यहाँ पर कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेसिकली 16 U है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U है, ये हमें निकालना है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने उसको इससे रिलेट करने हैं। जैसे आपने कभी सब्जी तो खाई होगी, सब्जी वेरी गुड। कई बार क्या होता है, सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, मेट्रो मॉल वगैरह में नहीं जाते हम लोग अपने गली में रेडी वाला जो आता है उससे सब्जी खरीदते हैं। अच्छा, कई सब्जी वाले होते हैं उनके पास बट्टा नहीं है, बाट नहीं है सब्जी तोलने के लिए, पत्थर का टुकड़ा होगा उसी से सब्जी तोल देते हैं। देखा होगा आपने कई बार ऐसे, तुम्हें आधा किलो भिंडी लेनी है वो पत्थर रखेगा और उसे तोल देगा, भैया ये क्या है जी, आधा किलो भाई तुलवा लो जी, बाट नहीं है क्या कर, आधा किलो में। अब तुम्हें आधा किलो घिया लेना है उसी पत्थर से आधा किलो घिया तोल देगा, तुम्हें आधा किलो टमाटर लेने हैं उसी पत्थर से आधा किलो टमाटर तोल देगा। यानी कि हर बार तोलने के लिए हम उसको एक ही चीज से रिलेट करें उसी पत्थर से। तो हमने किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इससे रिलेट करना शुरू कर। अगर कोई आपसे कहता है कि आप मुझे बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो उसने बोला कि कार्बन का एटॉमिक मास बराबर होता है 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के 1/16 के बराबर होगा, इट इज इक्वल टू द 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक मास। हमसे पूछा किसी ने कि यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, तो इसने बोला यहाँ देखना पड़ेगा बेटा समझ, चलिए ये बराबर होगा 1/16 ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। हमसे किसी ने पूछा कॉपर का एटॉमिक मास बताओ, एक कॉपर के एक एटम का मास कितना होगा, वो फिर से बोलेगा कॉपर के एक एटम का जो मास होता है वो बराबर होता है 1/16 ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ठीक है, हर बार उसने ये बात बोली।